शारदीय नवरात्र अब समाप्त हो गया है। बता दे कि दशहरा के साथ शारदीय नवरात्र की समाप्ति हो गई। विजयादशमी के दिन असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया गया यह त्योहार। और अब बात करें तो झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत होनी है, यानी चुनाव होना है। और कई लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं, लोग स्वाभाविक है कि आपस में चर्चा कर रहे होंगे। सर, झारखंड में चुनाव होना है, जानकारी है? हम लोग को तो जानकारी नहीं है। अगले एक दो महीने में वोट होना है यहाँ पर, हम लोग को कोई जानकारी नहीं। जानकारी नहीं है? इलेक्शन में सर, इलेक्शन होना है, जानकारी है? जानकारी है। दो महीने में चुनाव होना है, सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। तो क्या लगता है सर, वर्तमान जो हेमंत सोरेन सरकार है वो कैसा काम कर रही है? काम तो अच्छा कर रही है, और सरकार उसका ही बनेगा। अच्छा, सरकार कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि काम भी बहुत किया, बहुत तरह का योजना भी स्टार्ट की है। ये क्या बोलते हैं, मैया सम्मान योजना, अभी मशीन बांट रहे हैं, मुद्रा लोन सब दे रहे हैं, तो कैसे नहीं हो, उसी का सरकार बनेगा। पहले बीजेपी का सरकार था, तो बीजेपी का सरकार काम नहीं की। अच्छा, बीजेपी 5 अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो को भी लेकर के आई है, तो उसके बारे में जानकारी, जिसमें ये कह रही कि गोगो दीदी योजना है, जिसमें हम 1000 जो वर्तमान सरकार दे रही है, हमें 2100 देंगे। 5000 भी देगी तो सरकार नहीं बनेगा, इसलिए कि हमको जो दे रहा हम उसका देखेंगे। अच्छा, उससे पहले उसका सरकार था, नहीं दिया। हाँ, दिया नहीं दिया, तो अभी 5 लाख देगा बोलेंगे तो थोड़ी मांगा, सबके अकाउंट में बोला था कितना देने मोदी सरकार, 15 लाख, 15 रुपया नहीं दिया। अकाउंट हम भी खुलवाए थे कि कुछ भी तो आ जाएगा। अच्छा, मालूम चला अकाउंट बंद हो गया। अच्छा, और उसमें से मेरा पैसा भी कट गया टैक्स। अच्छा, अब उसमें से कट रहा का, कभी 20 रुपया, कभी 5 रुपया, बंद भी नहीं करवाए हैं, बंद करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो बोलने से नहीं होता सर, करिए। आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो आप ले रहे हैं तब ना मजा आ रहा। कोई बोलेगा हम आके इंटरव्यू ले लेंगे, ले लेंगे, छोड़ दो, लेने वाला काम देख रहे। अच्छा, क्या लगता है हेमंत सोरेन सरकार कैसा काम कर रही है? यहाँ सभी लोग देखिए, अरे सरकार क्या कर रहा है यहाँ, ऑटो वाला को तो भूखे मरा रहा है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जैसा सरकार रहने से ना सब ऑटो वाला भूखे मर जाएगा। अच्छा, इतना परमिट, जब गाड़ी, जिसको जब गाड़ी लॉन्च कर रहा है उसको पहले कंपनी को बंद करना चाहिए ना। हेमंत सोरेन कुछ नहीं दिया, हेमंत सोरेन कुछ नहीं दिया है, हेमंत सोरेन भी कुछ नहीं दिया ना, भाजपा वाला दिया है, कुछ नहीं देगा। एक 1000 रुपया मैया सम्मान योजना और फ्री राशन कार्ड सब मिला, दाल सब, दाल भी फ्री। यहाँ पर एक बीजेपी के समर्थक हेमंत सोरेन, आपको क्या लगता है सरकार क्या काम कर रही है? सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन सरकार तो बनना चाहिए हेमंत सोरेन का ही। हाँ, हेमंत सोरेन का ही सरकार बनना चाहिए, भले क्योंकि काम कर, काम वो कर रहे हैं, काम उनका चल रहा है। अभी मैया योजना में सबको पेमेंट कर ही रहे हैं, और सरकार उन्हीं का बनना ही चाहिए। अच्छा, केवल मैया योजना की चर्चा कर रहे हैं, और भी अभी बहुत, अभी बहुत वैकेंसी निकाल रहे हैं, अभी पूरा पेपर लीक भी हो जा रहा है। पेपर लीक तो होता ही है, लेकिन वो सब 420 है, लेकिन वो सरकार बनेगा तो सरकार 420 है कि पेपर लीक, पेपर वो सब। अभी देखिए जो एग्जाम हुआ सीजीएल वाला, उसमें नेट 24 घंटा 48 घंटा के लिए बंद कर दिया था, इससे तो परेशानी हुई ना। नहीं, परेशानी कैसे हुआ, एग्जाम जब हुआ तो नेट बंद करके एग्जाम हुआ, तो कैसे पेपर लीक हो गया? अच्छा, ये खाली कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। स्टूडेंट जो है वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर है, बीजेपी का आदमी लोग है, 3-5 कर रहा है। हाँ, बीजेपी का आदमी लोग 3-5 करवा रहा है कि ऐसा करो, ऐसा करो, हेमंत सरकार को बदनाम करो। किसके आदमी है? हम तो कांग्रेस का आदमी है, जो बात के लिए कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के आदमी हैं। ठीक है, हम तो कांग्रेस का बता रहे हैं। अभी जो ये होमगार्ड वाले लोग का वेतन बढ़ा दिए हेमंत सरकार, और उसको अगला लोग होमगार्ड वाला लोग को भगा रहा था। बीजेपी की सरकार जब पूर्ववर्ती सरकार थी वो कैसा कामकाज कर रही थी? उसमें कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ इसी में हुआ। अच्छा, इस सरकार में ऐसा क्या हो गया? अरे भाई, रोड है, ओवरब्रिज वगैरह रांची में जो बना है, जो फ्लाईओवर जो मिला है, किसका सरकार मिला है? हम कह रहे हैं कि हमारे समय का शिलान्यास ये केवल उद्घाटन किए हैं, उनके सब गलत है। बोल रहा था पुल का पिलर घुस जा रहा है, चुनाव होना, वोट करते हैं ना, पुल का तो पिलर घुस जा रहा था, अभी नहीं घुसा, वोट करते हैं ना, तो क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे? इस बार तो लगता है कि
जैसा हेमंत सरकार काम कर रहा है सरकार, ये लोग आपस में भी उलझा हुआ है सब, क्लियर उलझा हुआ है, किसी को क्लियर कुछ समझ में नहीं, पब्लिक बेवकूफ बन रहा है। अच्छा, ना पब्लिक को खुद क्लियर नहीं कि किसको वोट दे। के पास अब तो मौका आ गया है ना, अब आ गया है। अरे देखे, घुमा फिरा के पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, कोई सरकार कुछ नहीं कर रहा है, सब बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, जो अपना काम कर रहा है कर रहा है, उसमें जो करना तो वही लोग को, हम लोगों को तो कुछ करना नहीं है। हम लोग वोट देंगे, हेमंत सरकार अच्छा करेगा तो हेमंत सरकार को जाएगा, सोच समझ के वोट दीजिएगा। हाँ, सोच समझ के दिया जाएगा, जो अच्छा करेगा उसको दिया जाएगा। आप लोगों को कौन अच्छा कर रहा है आपकी नजरों में? ठीक है, मिला जुला के ठीक है, कोई खराब नहीं है, सब सही है, ये भी ठीक है, हेमंत सरकार भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बीजेपी का जो पंच प्रण आया है, पांच घोषणा जो लोग किए हैं, आवाज देने का बात कर रहे हैं, 2100 रुपया का देने, ये भी तो 1000 रुपया देने का बात कर रहे हैं, सब चीज सब कागजी हो रहा है। अभी तक कुछ लोग को मिला, कुछ लोग को मिलवो नहीं किया है। सेंट्रल में सरकार बीजेपी का क्यों नहीं दे रहा 500 में पूरे हिंदुस्तान में? यहाँ पर एक और व्यक्ति, आपकी क्या राय है सर? चुनाव होना है, चुनाव होना है, राय तो ये है किसी का भी सरकार आए लेकिन फ्री में, दान फ्री में नहीं मिलना चाहिए। एक्चुअली शिक्षा फ्री में मिलना चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए तो शिक्षा मिलना चाहिए, फ्री में अगर मिलना चाहिए तो स्वास्थ्य मिलना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए। किसी का भी सरकार दे रही है, सरकार एक किसी का खरीदने का है नहीं, वो मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत खरीदना है। सरकार का जो एक्चुअली सरकार का जो काम होना चाहिए, मेरे समझ से सरकार का काम होना चाहिए शिक्षा को व्यवस्था करना फ्री में और स्वास्थ्य को व्यवस्था करना फ्री में, और एडमिनिस्ट्रेशन को। सरकार में काम हुआ है, सरकार में काम हुआ है तो क्या पब्लिक तो बताएगा, उसके विषय में तो मैं उतना नहीं बता सकता हूँ कि काम हुआ है। आप क्या करते हैं? हम तो प्राइवेट में जॉब करते हैं, मैनेजर माइंस। तो आप भी अब वोट करिएगा तो क्या वोट करते हैं, क्या चीज को सोच करके वोट करिएगा? अपनी लोकल समस्याओं को लेकर के, राज्य के विकास, नहीं किसी राज के विकास का ही सोचना चाहिए, अपना लोकल पर्सनल समस्या का लेकर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए एक्चुअली राज का ही। तो राज का विकास, मेन विकास ये है, मेरे समझ से मेन विकास वही है, किसी भी धर्म हो या जाति हो, किसी भी हो, कोई भी दल हो, राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो तो अपना बनाता है लेकिन मेन भावना ये होना चाहिए राजनीतिक दल का, किसी भी पार्टी का। अगर सरकार में आए तो फ्री में, तो जो मैं मूल बात बता रहा हूँ, वो फ्री में किसी भी बार को फ्री में कहीं भी पढ़ सकता है, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। फ्री में कोई भी किसी का बीमारी अगर आता है तो कहीं भी वो फ्री में इलाज करा सकता है, ऐसा व्यवस्था हो, वो उसको बोलते हैं व्यवस्था, फ्री में इलाज किसी भी। अच्छा, चंपई सोरेन जी इधर से उधर गए हैं, तो क्या चुनाव में वो सभी मुद्दा बनेगा क्या? बांग्लादेश घुसपैठ ये सभी कुछ मुद्दा है इस बार? देखिए, घुसपैठ का मुद्दा तो आज से नहीं, कितना सालों से, 50 साल से चुनाव में रहेगा। अब देखिए कैसा कराते हैं उस पर डिपेंड करता है, मतलब हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा बात नहीं है, ये लोग जानता है सब चीज, सबको पता है कि घुसपैठ होता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये लोग जानता है फिर भी आज तक नहीं किया, तो अब क्या करेगा वो लोग जाने। अच्छा, चंपई सोरेन जी उधर गए तो क्या बीजेपी का फायदा होगा? वो ऐसा कुछ नहीं विशेष बात है कि फायदा हो जाएगा। चंपई सोरेन कितना दिन लोग काम किए, कितना दिन काम किए नहीं किए, मेन तो हेमंत सोरेन का सरकार था, उसी का चल रहा है। वो इधर से उधर होने से, अरे हम किसी को वोट दें, सब तो इधर से उधर मिल जा रहा है, हमारा वोट तो ठगा जा रहा है, हम दे रहा है कांग्रेस को चला जा रहा है, बीजेपी में मिल जा रहा है कैंडिडेट, बीजेपी को वोट दे रहा है, चल जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद कैंडिडेट इधर से उधर हो जाते हैं, ये भी एक समस्या है बहुत। अरे वो जिसके लिए हम, जिसको हम जान रही आदमी अच्छा है, इसको हम वोट दे, कोई पार्टी विशेष से मतलब नहीं है भी। आप जैसे नवीन जायसवाल है कि कोई भी पार्टी में रहेगा इसको वोट पड़ेगा, सौ बात की एक बात, क्योंकि इसका काम दिखता है हर जगह, हर क्षेत्र, हर कल। लेकिन पार्टी बदल लेते हैं हर बार चुनाव में। पार्टी देखिए, पार्टी लोग अपना क्या क्या समझ के बदलते हैं पता नहीं, लोगों को बहुत स्पेशल फायदा हो जाता होगा इसीलिए पार्टी बदलते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं। हम लोग को तो भाई जो आप भी वोट दीजिएगा, आप बोलिएगा कि नहीं हम इसको इस बार मुद्दे पर वोट दिया है और ये जाके उसमें मिल जा रहा है, ये बड़ा समस्या है कि नहीं? आपका तो कहीं ना कहीं दिल तो दुखता है ना कि हम जिस चीज के लिए वोट दिए वो आदमी उस जगह नहीं जाकर, जिस पर भरोसा करते हैं वही बदल जाता है चुनाव जीतने के बाद, ये भी एक समस्या है यहाँ पर। वो तो है, वो होना नहीं चाहिए, जो कैंडिडेट जिसको ले रहा है
तो उसका छवि देख कर लेना चाहिए, जो पार्टी जिस कैंडिडेट को ले रहा है उसका बैकग्राउंड पहले का क्या छवि है देख कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं चुनाव होना है तो क्या जानकारी है ना कि वोट होना है अगले 2 महीने के अंदर में, बिल्कुल। तो क्या मुद्दा सोच करके इस बार वोट करिएगा, क्या क्या मुद्दा है इस बार? अच्छा, बांग्लादेश घुसपैठ में मुद्दा है क्या? बिल्कुल मुद्दा तो है ही, मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। खतरा है झारखंड के लिए, ये तो अब जांच का विषय है, है ना? आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है? व्यक्तिगत तौर पे बोले थे जांच का विषय, जांच एजेंसी लगा हुआ है, बांग्लादेश घुसपैठ भी सब मुद्दा रहेगा, बिल्कुल। अच्छा, चंपाई सोरेन जी इधर से उधर हो गए हैं 40 सालों के बाद, वो बीजेपी चले गए, तो ये देखिए पॉलिटिकल एजेंडा में वो पर्सनल चीज है, इनसे बात कर लिए, ठीक है? अच्छा, शिक्षा रोजगार मुद्दा है, बिल्कुल सब कोई मुद्दा है, हर चीज रोजगार पे काम हो रहा है, शिक्षा पे काम हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार में काम हुआ है, सरकार काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि सरकार फिर एक बार रिपीट कर जाएगी? ये तो कैसे बताएं, पब्लिक का मुद्दा है ना, पब्लिक का भी है, ये कह रहे हैं कि सरकार रिपीट करेगी कि नहीं करेगी ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। एक और भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन है जो खड़े हैं यहाँ पर। सर, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? क्या है सर इस बार मुद्दा? अगर का चुनाव में, हाँ हाँ हाँ, वर्तमान का विधानसभा जब चुनाव होना है ना सर, अब तो क्या क्या मुद्दा इस बार रहेगा? मुद्दा तो हमेशा रहता है सर, लेकिन कौन सा मुद्दा पूरा होता है? कोई मुद्दा तो पूरा होता नहीं है। अच्छा, इस बार वोट दे रहे हैं तो इस बार तो सोच समझ के दीजिएगा, एकदम सोच समझ के, हमेशा हम लोग सोच समझ के वोट देते हैं और हमेशा सोच समझ के आगे भी देंगे। और बीजेपी छोड़ के किसी को वोट नहीं देना है, वही है जो कि देश को भी सुधार सकता है और स्टेट को भी सुधार सकता है। ऐसे गवर्नमेंट बोल के तो सभी आ जाते हैं लेकिन कोई काम करता नहीं, मतलब बीजेपी ही सुधार सकता है और कोई नहीं। तो हेमंत सोरेन जी से पहले जो रघुवर दास वाली सरकार थी उसमें काम काज हुआ था? उसमें काम काज हुआ था, इतना चीटिंग और ये सब होता था क्या? बालू का हमेशा जो नौटंकी होता था वो होता था क्या? कभी नहीं होता। 1 रुपये का रजिस्ट्री होता था, महिलाओं को जो दिया गया था सब सुविधा, उसके चलते मार्केट बहुत डेवलप किया था, बहुत महिलाएं लोग क्या करते, महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री करा के लोग जितना जमीन में लगता था उससे, उस जमीन को लेके उससे बिल्डिंग बनाया करते थे। और अब तो बालू है, कामकाज का आकलन हुआ, जनता ने तो उन्हें निकाल दिया, हेमंत सोरेन को सत्ता दे दी, अब हेमंत सोरेन का कार्यकाल पूरा होगा, इनका कार्यकाल कैसा है? कार्यकाल का बात नहीं है, उसमें बहुत सारा चीज देखा जाता है, पॉलिटिक्स जो चीज है वो सबका समझ में थोड़ी आएगा। लेकिन अभी आप लोग खुद जान सकते हैं कि कैसा गवर्नमेंट चल रहा है और कैसा चलाया जाता है, खाली फ्री में रेवड़ी बांट देने से नहीं होता है। हम लोग इतना टैक्स उक्स दे रहे हैं, हमेशा पहले जिस समय बीजेपी गवर्नमेंट था उस समय हम लोग का, लेकिन बीजेपी भी तो अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि हम भी 2100 रुपया देंगे, अरे जब जान रही है, अब जब जान रहे हैं कि सब कोई दे रहा है तो हम अपना जान बचाने के लिए हम भी तो कुछ देंगे, तब ना कुछ होगा। केवल ये मुफ्त वाला जो है एक चुनावी जुमला है क्या? बस वही है, बस आज जिसको जो मुफ्त जो चीज मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? टैक्स आदमी हम लोग दे रहे हैं, अब बांट रहा है ऐसे फ्री में, आखिर कहाँ से दे रहा है? मतलब खाली चुनावी मुद्दे है खाली। तो इस बार क्या सोचकर वोट करिएगा सर, परिवर्तन के लिए वोट करिएगा या जो सरकार है? परिवर्तन के लिए ही करेंगे और परिवर्तन बीजेपी ही लाएगा। मतलब मुफ्त का रेवड़ी बांट रहे हैं ना, वो मतलब कई चुनावी मुद्दे है खाली। तो इस बार क्या सोचकर वोट करिएगा सर, परिवर्तन के लिए वोट करिएगा या जो सरकार है? परिवर्तन के लिए ही करेंगे और परिवर्तन बीजेपी ही ला सकता है। अच्छा, अभी तो कुछ लोगों से यहीं पर आप ही बाहर बात किया, उन लोगों ने कहा तो हेमंत बढ़िया काम कर रहे हैं। बस बढ़िया काम कर रहे हैं, उन लोग ले रहा है तो बढ़िया काम नहीं करेगा, जिन लोग को फायदा होगा, जितने भी हैं कोई टैक्स पेयर नहीं है। अच्छा, और उन लोग को मुफ्त में रेवड़ी मिल रहा है तो उन लोग के लिए अच्छा है। सर, आप भी काम कीजिएगा तब पैसा मिलेगा, आपको फ्री में मिलेगा तो थोड़ी आप काम करिएगा, आप भी मुफ्त में ही लीजिएगा। तो बीजेपी भी तो वही कर रही है ना, 2100 रुपया देने की बात करी, 500 रुपया में गैस सिलेंडर कह रही है कि सबको आवास देंगे, उनका भी तो वही मैनिफेस्टो हो गया। फिर तो सवाल है कि अब सबका तो वही हाल है, हम सत्ता में आ गए। अच्छा, तीसरे व्यक्ति भी, आपकी क्या सोच है? भैया, बीजेपी आश्वासन दे रही है कि हम देंगे, हाँ। लेकिन अच्छा, हेमंत तो दे रहे हैं, हेमंत तो दे रहा है, हाँ। तो वोट तो उसी को देना है, सरकार तो उसी का सरकार आना चाहिए, वोट देना है। वो बोल रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन ये जो दे रहे पहले उसी को ना देखिएगा,
अच्छा जो करंट में चल रहा है उसको देखना है। अच्छा केवल हेमंत सोरेन 1000 दे रहे यही आपको? अच्छा इनका 4.5 साल का काम का बात, 1000 को नहीं देखना है भैया। देखिए 4.5 साल में इसको देखिए, अभी जितना भी बहाली खुले हैं और जितना वैकेंसी वो करवा रहे हैं इसको भी आप देखिए। अच्छा पेपर लीक भी हो जा रहा है सबसे ज्यादा भैया? पेपर लीक एक बहाना है। अच्छा ठीक है, सरकार को बदनाम करने के लिए। अच्छा वैसा कोई बात नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है सरकार को, उनका विपक्ष बदनाम कर रहे हैं। अभी लोग तो अभी धरना पे बैठा है ना भैया? बात ऐसा है जो एग्जाम नहीं दे रहे वही लोग धरना में बैठे हैं। उनको पेपर मांगिए तो उनको एडमिट कार्ड मांगिए, कितना आदमी वहाँ धरना में बैठे हुए हैं? उनको एडमिट कार्ड मांगिए, अगर 1000 आदमी बैठा हुआ है तो उसमें से 2 स्टूडेंट होगा, बाद बाकी विपक्ष का आदमी होगा। अगर 48 घंटा नेट बंद करने के बाद एग्जाम दिया गया है तो कैसे आप बोल दीजिएगा पेपर लीक हुआ है? इसका मतलब बेहतर काम कर, मतलब पब्लिक हेमंत बेहतर कर रहा है जब 48 घंटा नेट बंद करके एग्जाम दिया गया सीजीएल का, तो आप कैसे बोल दीजिएगा? अच्छा वो आप व्यवसायी हैं, 48 घंटा इंटरनेट बंद हुआ, आपको उससे प्रभावित हुए थे? उससे व्यवसाय प्रभावित हुआ था? प्रभावित हुआ लेकिन मान लीजिए कि अगर एग्जाम के कारण अगर वो मान लीजिए नेट को अगर किया उसके बावजूद भी अगर पेपर लीक हुआ है। अच्छा बांग्लादेश तो सरकार का भी मुद्दा रहेगा क्या इस बार का चुनाव में? एकदम रहेगा, पूरा रहेगा, बांग्लादेश घुसपैठ रहेगा एकदम। जामताड़ा में देखिए उधर संथाल परगना में, तो उसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए सरकार दोषी है, झारखंड सरकार एकदम दोषी है। अभी जो घुसपैठी हो रहा है, झारखंड सरकार की बड़ाई कर रहे हैं भैया, बड़ाई कर रहे हैं तो बुराई भी तो है। ये तो बड़ाई किसको करिएगा? वोट तो अथी को करेंगे, जेएमएम को करेंगे। अच्छा वोट जेएमएम को? हाँ एकदम, लेकिन घुसपैठ हो रहा है लेकिन वोट जेएमएम को करेंगे, एकदम करेंगे। नहीं ये तो खैर अपना अपना सोच है जी, अपना अपना सोच है। हमारे कह रहे भाई सोरेन का इधर से उधर जाना भी मुद्दा है क्या? मुद्दा तो ये कैसे बोला इसका मुद्दा तो ऐसे आए हैं चंपई सोरेन को बिना इंटीमेट किए उनको गद्दी से हटा दिए पहले। अच्छा, वहाँ से कौन कौन सा मुद्दा हावी रहेगा चुनाव में आप जनता है, आपको क्या लगता है कौन कौन सा मुद्दा इस बार हावी रहना है? किस मुद्दे पे बात होगी? डेवलपमेंट पे मुद्दे पे बात होगी। यहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट किया है जब से जेएमएम सरकार बनी है? योजना गोगो दीदी योजना पे केवल बात हो रही है? बात जो इस पर हो रही है केवल वो डेवलपमेंट नहीं हुआ ना सर, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी का एक जुमला है क्या? जुमला है और ये अभी दे रहे हैं, ये क्या जिंदगी भर देंगे? जो लागू कर दिए नहीं देंगे। अभी कई गो स्टेट अभी लॉस में चल रहा है, कितना स्टेट दिवालिया हुआ आप एक बार देखिए। यहाँ पर अभी आप दे रहे हैं अभी यहाँ से चला गया ना, मैं अभी परिणाम आया था तो क्या उसी तरीके से कुछ झारखंड में भी आएगा क्या परिणाम? यही परिणाम आने वाला है, मतलब झारखंड में परिवर्तन हो जाएगा क्या? होगा परिवर्तन हो जाएगा, एकदम होगा। और कितने आपके सामने कह रहे परिवर्तन हो जाएगा? देखिए वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। चलिए बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर कई लोगों से हमने बात की, कुछ की पसंद हेमंत है, कुछ की पसंद बीजेपी है। लोगों का ये साफ तौर पे कहना है कि सरकार का काम काज है वो काफी बेहतर है, बेहतर तरीके से सरकार काम कर रही है। वहीं कुछ का कहना है कि जो जिस प्रकार से सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांट रही है, यानी मैया योजना की बात हो या बीजेपी जिस प्रकार 2100 रुपया देने की बात करी है गोगो दीदी योजना के नाम पर, इसे लेकर लोगों में थोड़ी सी नाराजगी है, कुछ में खुशी है। उनका ये कहना है कि हमारे घर में एक आर्थिक सहयोग मिल रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इससे एक ऐसा वर्ग प्रभावित हो रहा है जो टैक्स देता है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उस पैसे का उपयोग राजनीतिक पार्टी अपने एक तरह से लोगों को लुभाने के लिए करती है, यानी वोट बैंक की राजनीति के लिए करती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो शिक्षा रोजगार के साथ साथ बांग्लादेश घुसपैठ का भी मुद्दा इस बार के चुनाव में हावी रहने वाला है। अब देखना होगा कि झारखंड की जनता किसे जनादेश देती है, क्या हरियाणा की तरह बड़ा उलटफेर होगा या फिर पुनः एक बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बनती है, तो तमाम चीजें चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जनता का मिलीजुली प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही है। बता दें कि जल्द ही झारखंड में आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और पुनः एक बार जनता के पास वो अधिकार आएगा जो 5 सालों में एक बार आता है, वोट का अधिकार। अब जनता किसे अपना महत्वपूर्ण वोट देती है ये तो परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।